अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदिनी भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरी लकी चाम मेरे लिए ये सारी रस्में कर सकती है? ये लो रेवा, ये रसम भी तुम ही करो। खुश रहो दादी, खाली आशीर्वाद से क्या होगा, है ना? गिफ्ट भी तो बनता है, गिफ्ट। हाँ दादी, आप कुछ बता रही थी ना कि आपको कुछ गिफ्ट देना है अपने पोते को। जरूर दूंगी कश्मीरा। हमारी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी का। दादी, पावर ऑफ अटॉर्नी। अरे भाई, सेम टू सेम। वाह दादी। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो, तेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, है ना? थैंक यू दादी। तीमा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और दादी की उम्मीदों पे खरा उतरूं। और अब आपको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने हम सबके लिए बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। वो क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना, वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे। तब तक तू इसे संभाल। नहीं
निकालिए। क्या भाभी, अभी सब रस्में पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नया लेकर आऊं ना। अच्छा जी। और वैसे भी इतना कैश लेकर घूमता कौन है आज की डेट में? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। जब मेरे और तुषार की सुहागरात थी तब आप साहब ने तो नोटों की गड्डियां वसूली थी और आज रस्में फिजूल लग रही है, बोलिए। भाभी तब कैश होता था हमारे पास, अब नहीं है। थोड़ी मेहरबानी हम पे भी बरसाओ, अपने जीजा जी को बोलो कैश नहीं तो UPI कर दे। निकालिए जल्दी से, बोल देती हूँ नो टोल नो सुहागरात, खड़े रहो यही रात भर। लो लो भाई लो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये पैसों की हकदार रीवा है। मतलब रीवा ने जो हमारे लिए किया वो सब पैसों से तोलना तो सही नहीं होगा, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। ओह यस, ये लो रीवा, तुम्हारी मदद की कीमत। लो लो, शर्माओ मत, रख लो। चलिए, लेट हो रहा है ना सुहागरात के लिए, चलिए। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो। क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे, तब तक तू इसे संभाल। कश्मीरा, हाथ कट जाएगा कश्मीरा। कैसे कैसे शांत हो जाओ, कैसे? कश्मीरा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? दादी, दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो उनकी पोती हूं ना। उन्होंने कंपनी की पावर उठाने राज के नाम कर दी, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। क्या इतनी दिन के लिए मैंने इस परिवार के लिए इतने त्याग और इतने बलिदान दिए थे, इसलिए नहीं किया। ये मौका मिलते ही वो सब रात जैसे बच्चे को दे दिया जाए। अब नहीं। कश्मीरा बात सुनो, बात सुनो, प्लीज 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 प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दादी से बात करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। जो मेरा है मैं वो लेकर रहूंगी। राज राज राज, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना तो नहीं है। मैं उड़ तो नहीं रही राज, तुम्हें लग रहा है? ओह माय गॉड, सच में हम दोनों की शादी हो गई है। राज कहाँ जा रहे हो? राज राज रुको, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे राज पानी, तुम ये लीजिए केसर वाला दूध पीजिए, इससे ताकत आएगी। राज इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, कैसी लग रही हूं मैं? तुम्हारे नाम के मंगलसूत्र में, तुम्हारे नाम के सिंदूर में लग रही हो ना मैं तुम्हारी सुहागत? सब कुछ तुम्हारे नाम का। राज
गया है तुम्हें? आज सुहाग रात है हमारी, पता है ना आज क्या होता है? बोलो बोलो। मैं ना तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, वो शायद दूसरे कमरे में रह गया कहीं, अभी जाके लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके रेवैया, खोल क्या? अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझ रहे थे, लेकिन तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे रेवैया। ई देख 25 लाख रुपए हमको राय साहब से मिले थे, अरे जिनसे तुमरा ब्याह करवा रहे थे हम, ऐसे ही भोले सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। अरे बिटिया, सब पैसों का खेल होता है, जिसके पास ई है ना वो राजा, बाकी सब प्रजा। जैसे अब यहाँ आ गए हैं तो ई घर से टेंगा लेकर तो जाएंगे नहीं वापस। ऐसे तो बहुत रईस है, कुछ लाख रुपए छीटा मार भी दिए हम पर तो कौन से गरीब होने वाले हैं ये? मैं पता है कि आज तुम हमारे साथ आने वाली थी, पर अब यहाँ रुक और सोच, हम बाद में आते। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। मैं यहां टेंशन में मरे जा रहा हूं और ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल है। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे, हमें ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो सच में वहां। बस सच की बात तो तुम करना ही मत। मेरा चेहरा देखने के बाद, सारा मामला समझने के बाद भी तुमने अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं समझी मुझे, और जब मौका मिला आके मंडप में बैठ गई। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने कमरे में बंद किया था ना, ताकि मुझसे शादी करके मेरे पैसे मेरी जायदाद को हड़प सको? नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जा तो हम रहे ही थे, क्योंकि हमें पता था आपकी खुशी हमरे यहां रहने में तो नहीं होगी, और हम अपनी सफाई भी क्यों ही दे जब जानते हैं कि हमरा यहां होना ही गलत है। हम जा रहे हैं सहरी साहब, हमेशा हमेशा के लिए, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपको अश्रुति दीदी को शादी की बहुत बहुत बधाई। शंकर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, हमारे दामन की खुशियां भी आपके हिस्से आए। तुम ठीक हो? नहीं हूं तो हो जाऊंगी, बस एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ना रहेगा राज, ना रहेगी प्रॉब्लम्स।
सुंदर जल्दी आओ ना राज, तुम गिफ्ट लेने गए हो कि बनाने? हैशटैग केयरलेस सही हो। एक बार और फोन ट्राई करती हूँ। कैसे नजरें मिलाऊं मैं तुझसे श्रुति, क्या मुंह लेकर आऊं तेरे सामने? जो गलती मुझसे हुई है उसके बाद तेरे करीब आना तो दूर, तेरे सामने खड़े होने से भी पांव कांप रहे हैं मेरे। कितनी बड़ी बात छुपाई है मैंने तुझसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बात इतना घिनौना रूप लेकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, वो भी ऐसे। मेरी और रेवा की शादी, क्यों छुपाई मैंने तुझसे ये बात? राज फोन उठाओ। क्यों नहीं किया तुझ पर भरोसा मैंने? ना बड़ा पाप कर बैठा मैं अपने डर के कारण। लास्ट टाइम कॉल कर रही हूँ राज, प्लीज फोन उठाओ। राज कहाँ हो तुम? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने कमरे में बंद किया था ना? दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। तुम जा रही हो?
नहीं जा रही हूँ। तुम भी जा रही हो। जाओ, जाओ, तुम भी जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले रह लूंगी मैं। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, आप परेशान काहे हो रही? कैसे परेशान ना हो रेवा, कैसे? तुम भी तो जा रही हो ना रेवा, प्लीज मत जाओ। नहीं श्रुति दीदी, हमें मत रोकिए, अब हमें जाना ही होगा। रेवा, मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है, उसे मुझसे मत छीनो, प्लीज प्लीज। अब देखिए तू से नैना मिलाइके दंगल प्ले पर टीवी से पहले।